हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम फोर्थ क्लास का ईवीएस का चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, जो कि किस बुक से है, ब्लू प्लैनेट एंड ग्रीन अर्थ का चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम द फूड थीम ईटिंग टुगेदर इज फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि फूड हम कहाँ से हमें मिलता है, वो कैसे ग्रो होता है, हम क्या क्या वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम देखते हैं अपने आसपास, और हम क्या क्या प्लांट्स से हमें राइस, वीट और दाल एक्सेट्रा चीज़ें हमें मिलती है, ये हम 10th चैप्टर में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। सो इन द 11th चैप्टर ना हम पढ़ेंगे कि व्हेन डू मैनी पीपल ईट टुगेदर, ऐसा कौन सा ओकेशन होता है जब सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं, या फिर व्हाट फूड इज ईटन, हम उस टाइम पे क्या खाना खाते हैं और वो खाना कौन बनाता है और कौन हमें सर्व करता है। इसके साथ हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि मिड डे मील स्कूल में क्यों हुआ और इसमें हमें क्या क्या आइटम्स मिलते हैं और मिड डे मील हमें कौन प्रोवाइड कराता है। मिड डे मील आप सब जानते होंगे कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना। सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 11, ईटिंग टुगेदर इज फन। सो शीतल्स फैमिली ईट मील्स ऑन द डाइनिंग टेबल एवरी डे। शीतल की जो फैमिली थी वो हर रोज डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करती थी। फिर शीतल लाइक्स टू ईट ब्रेकफास्ट विद हर ब्रदर बिकॉज आफ्टर द मील शी गोज टू स्कूल एंड डज नॉट सी हिम फॉर मैनी आवर्स। शीतल को क्या पसंद था? शीतल को ब्रेकफास्ट करना पसंद था अपने भाई के साथ, क्योंकि वो क्या करती थी, ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो स्कूल चली जाती थी और उसके बाद वो घंटों अपने भैया से नहीं मिल पाती थी। सो एट द लंच टाइम शीतल लाइक्स टू शेयर न्यूज़ अबाउट हर डे एट स्कूल विद हर पेरेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स हम भी करते हैं ना, हम भी जब स्कूल से आते हैं तो हम अपने सारे स्कूल्स की जो जो बातें होती हैं हम सब अपने डिस्कस करते हैं, है ना। तो सेम एज अ शीतल, शीतल भी क्या करती है, वो जब लंच करती है तो अपने पेरेंट्स के साथ में पूरे स्कूल की न्यूज़ वो शेयर करती है। एट द डिनर टाइम इज स्पेशल बिकॉज शीतल मदर ऑलवेज प्रिपेयर अ डिलीशियस डेजर्ट। और जो डिनर टाइम पे जो खाना मिलता था उसको, वो बहुत स्पेशल होता था बिकॉज शीतल की मम्मा क्या करती थी, बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट्स बनाती थी। फिर शीतल फाइंड्स इट अ लॉट ऑफ फन टू ईट टुगेदर विद हर फैमिली। और शीतल को क्या मज़ा आता था, आप सबको भी मज़ा आता है ना एक दूसरे के साथ खाना खाते वक्त, ऐसे ही शीतल को भी बहुत मज़ा आता था अपनी फैमिली के साथ खाना खाने में, है ना। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पेशल फूड, है ना। सो वी ईट डिलीशियस फूड एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस एंड ऑन स्पेशल ओकेशंस। हम क्या करते हैं, हम खाना काफ़ी अलग अलग जगहों पे खाते हैं और कभी कभी हम एक स्पेशल ओकेशन पे खाते हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, फूड के क्या होता है, फूड एक्चुअली हम फूड को ईट करना ना काफ़ी इंजॉय करते हैं हम उस चीज़ को, है ना। सो दीज स्पेशल डेज आर फैमिली सेलिब्रेशंस। ये स्पेशल डे कौन कौन से होते हैं, फैमिली सेलिब्रेशन, जस्ट लाइक एनिवर्सरी एंड बर्थडेज, है ना। जब बर्थडेज होते हैं कितने सारे लोग आते हैं बर्थडे पे और हम ढेर सारा केक काटते हैं और स्वीट्स लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, है ना। एंड कम्युनिटी सेलिब्रेशन, और कम्युनिटी ये तो हो गया फैमिली सेलिब्रेशन, है ना, जो हम फैमिली के साथ करते हैं। फिर एक आता है कम्युनिटी सेलिब्रेशन, कम्युनिटी सेलिब्रेशन लाइक फेस्टिवल्स और आउटिंग्स लाइक पिकनिक, पिकनिक पे भी हम जाते हैं और फेस्टिवल्स में हम अपने नेबर्स के साथ, अपने जॉइंट फैमिली मेम्बर्स के साथ हम क्या करते हैं, फूड को इंजॉय करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे पिक्चर है पिकनिक का, फेस्टिवल्स पे काफ़ी स्वीट्स एंड स्नैक्स बनते हैं, देन बर्थडे पर भी केक है, पेस्ट्री है, देन रेस्टोरेंट में भी हम क्या करते हैं, बहुत तरह तरह के फूड खाते हैं, है ना। सो ऑन द नेक्स्ट पेज, ईटिंग टुगेदर, डिफरेंट पीपल कुक स्पेशल फूड फॉर अस, है ना। कई तरह तरह के लोग स्पेशल फूड्स बनाते हैं। फॉर द पिकनिक, फूड फॉर पिकनिक्स एंड स्मॉल फैमिलीज गेट टुगेदर इज कुक्ड बाय द एल्डर्स इन द किचन। मोस्टली द वुमेन फॉल्क कलेक्ट इन द किचन एंड डिवाइड द वर्क अमंग देमसेल्व्स। सो वन माइट प्रिपेयर द पूरी, अनदर माइट मेक द करी, एंड अ थर्ड वुमेन विल मेक द मिठाई एंड एक्सेट्रस थिंग्स। सो इस पैरा में क्या है, काफ़ी कई बार क्या होता है, जब हम एक साथ खाना तो खाते हैं लेकिन एक साथ क्या करते हैं, हम बनाते भी हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किचन में आपकी चाची आ जाती हैं, आपकी मम्मा रहती हैं, आपकी बड़ी सिस्टर रहती हैं और आस पड़ोस की आंटीज लोग भी आ जाती हैं और किचन में अलग अलग तरीके की डिलीशियस फूड्स बनाते हैं ना। एक ने चलो पूरी बना दिया, किसी ने कढ़ी बना दी, किसी ने सब्जी बना दी, किसी ने मिठाई बना दी, है ना, किसी ने पेस्ट्री बना दी, किसी ने स्नैक्स बना दिया, है ना। तो इस तरीके से हम खाते तो साथ में हैं और साथ में क्या करते हैं, हम कुक भी करते हैं। फॉर अ लार्जर फैमिली सेलिब्रेशन लाइक
लाइक बर्थडे एंड वेडिंग्स, टुडे मैनी फैमिलीज हायर अ बैंकेट हॉल्स केटरिंग सर्विसेज और एन इवेंट मैनेजर टू मेक द फूड अरेंजमेंट्स. अब क्या होता है, एक लार्ज फैमिली सेलिब्रेशन जब होता है, जस्ट लाइक अ बर्थडे, किसी का बर्थडे है और उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, अब घर की लेडीज़ तो उतना काम नहीं कर सकती ना, उतना फूड नहीं बना सकती इतनी ज़्यादा लोगों के लिए. शादियों के टाइम पे कितने सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हम हॉल बुक करते हैं, एक इवेंट मैनेजर रखते हैं या केटरिंग सर्विसेज वालों को रखते हैं कि वो अपना फूड बना के हमें प्रोवाइड कर सके. वी ऑल्सो ईट फूड टुगेदर वाइल ट्रेवलिंग इन ट्रेन्स एंड प्लेन्स. हम क्या करते हैं, जब हम ट्रैवल भी करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं. एयरलाइंस make every effort to see that their customers are comfortable and happy. They offer a menu card with a choice of meals to the passenger. Airlines में क्या होता है, हम generally हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एयर होस्टेस लोग होती हैं वो हमें फूड सर्व करती हैं और हमें काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती हैं, है ना. वो लोग मेन्यू कार्ड देते हैं और हम उसमें से चूज़ करते हैं हमारी फेवरेट्स थिंग और जो हमें पसंद है ना, अपनी चॉइस का मील हम पसंद करते हैं और हम उन्हें बताते हैं और वो क्या करते हैं, हमें पैसेंजर को प्रोवाइड करते हैं. Then, in Indian trains, the common kitchen is called pantry car. है ना, जो इंडियन ट्रेन, अभी तो हमने एयरलाइंस की बात की, लेकिन जो इंडियन ट्रेन्स में जो किचन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैनेट्री कार. एन अटेंडेंट गोज टू पैसेंजर्स एंड आस्क इफ दे वुड लाइक टू ऑर्डर फूड. He provides vegetarian and non-vegetarian options and note down the food choice. According to the choice given, the food is served in small fuel container from the pantry car. On the Rajdhani and Shatabdi Express trains, food is included in the fare and is served at the seat. फिर क्या होता है, ट्रेन्स में पैनेट्री कार को, जैसे किचन को पैनेट्री कार कहते हैं, ऐसे ही वहाँ पे एक अटेंडर होता है, वो एक पैसेंजर्स के पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि आप खाना ऑर्डर करना पसंद करते हैं, और वो खाना कैसा होता है, वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, और फिर क्या करता है, वो लोगों की चॉइसेस वो नोट डाउन कर लेता है और उन्हें क्या करता है, फ्यूल कंटेनर में उन्हें सर्व करता है वो खाना. और ये जनरली कहाँ पर पैनेट्री कार्स ज़्यादा होती हैं, या तो राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन्स रहती हैं वहाँ पर ये मिलता है, है ना, मतलब पैंट्री कार रहती है. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, कम्युनिटी ईटिंग. कम्युनिटी ईटिंग मीन्स इन द केस ऑफ कम्युनिटी गैदरिंग फूड इज मेड इन अ लार्ज एंड अ कॉमन किचन, है ना. कम्युनिटी ईटिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारे आस पड़ोस के लोग एक साथ आते हैं और फूड को बनाते हैं एक कॉमन किचन में. सो फर्स्ट वन इज वॉट, लंगर. आया यार, लंगर का प्रसाद. लंगर मेनली कहाँ पे होते हैं, पंजाब साइड में गुरुद्वारास में ज़्यादा लंगर होते हैं, है ना. सो लंगर इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कॉमन किचन. लंगर क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉमन किचन का, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं. अ लंगर इज अटैच टू एवरी गुरुद्वारा. एक लंगर जो होता है वो हर एक गुरुद्वारा में होता ही है, चलता ही रहता है हमेशा. देयर आर ओपन एयर लंगर एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड गुरु पर्व्स, है ना. ओपन एयर लंगर्स होते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे और चाहे तो वो गुरु पर्व हो. फिर ऑन द नेक्स्ट पेज, वुमेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ लंगर. द चिल्ड्रन हेल्प इन सर्विंग फूड टू द पंगत. एवरीवन इज वेलकम टू शेयर द फूड. नो वन इज टर्न अवे. द फूड इज सर्व्ड ट्वाइस अ डे. ईच वीक अ फैमिली और सेवरल फैमिलीज वॉलेंटियर टू प्रोवाइड एंड प्रिपेयर द फूड. ऑल द प्रिपरेशन, द कुकिंग एंड द वॉशिंग अप इज डन बाय volunteers called it सेवेदार्स. caterers are not allowed, है ना. लंगर में क्या होता है, जो मेनली वुमेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और जो बच्चे होते हैं वो पंगत में सर्व करते हैं, है ना. सर्विंग द फूड क्या होता है, पंगत. फिर हम हर एक लोगों को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं और नो वन इज टर्न अवे, है ना. कोई उस चीज़ से मना नहीं करता कि नहीं हम खाना नहीं बनाएंगे. वहाँ पे सब लोग खुशी से खाना बनाते हैं और बर्तन भी धोए जाते हैं. और इन वॉलंटियर्स को, इन काम करने वालों को, लोगों को क्या बोला जाता है, सेवादार, है ना. यहाँ पे कोई caterers अलाउड नहीं होते हैं. यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, द लंगर वॉज स्टार्टेड बाय द फर्स्ट सिख गुरु, गुरु नानक देव, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिटवीन ऑल पीपल हु ईट और सेट हु सेट ऑन द फ्लोर टुगेदर टू ईट द सेम सिंपल फूड. तो लंगर क्या होता है, लंगर होता है जो इसके स्टार्टेड किससे होता है, सिख गुरु, है ना. सिख गुरु यानी गुरु नानक जी ने ये शुरुआत की थी. किस लिए की थी, कि सब लोग क्या हो, इक्वल हो, है ना. कोई ऊंचा नीचा, कोई जाति धर्म का भेद ना हो यहाँ पे. और सारे लोग कहाँ बैठ के खाना खाएं, नीचे बैठ के खाना खाएं, फ्लोर पे बैठ के खाना खाएं. देन नेक्स्ट आता है भंडारा. भंडारा इज़ अनदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम.
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नवरात्रि सेलिब्रेशंस। ड्यूरिंग भंडारा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीबडी। द प्रसाद कंसिस्ट ऑफ फ्रूट्स, स्वीट्स एंड पूरी, छोले एंड हलवा। जैसा कि हम जानते हैं नवरात्रि के टाइम पे भंडारा होता है, या कोई एक बड़ी सी कोई पूजा होती है उस टाइम भंडारा होता है, हम सब जानते हैं ना। तो उस टाइम क्या होता है, सबको हम बुलाते हैं और वहाँ पर खाना और प्रसाद हम सर्व करते हैं। और प्रसाद में क्या क्या होता है, मेनली वहाँ पर होता है फ्रूट्स, स्वीट्स हो गए, पूरी, छोला एंड व्हाट, हलवा, है ना। देन फूड इज़ आल्सो ईटन टुगेदर एज अ मिड डे मील। अब आ गया मिड डे मील इन स्कूल्स, है ना। फूड इज़ आल्सो ईटन टुगेदर एज अ मिड डे मील, है ना। ये भी क्या है, कम्युनिटी टुगेदर का टाइप है मिड डे मील, जो कि स्कूल्स में चलते थे। दिस फूड इज़ सिंपल बट न्यूट्रिशन एज इट इज़ मेड फॉर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये फूड क्या होता है, सिंपल होता है और काफ़ी न्यूट्रिशंस होता है बच्चों के लिए। द मिड डे मील इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स। मिड डे मील फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इससे कोई पैसे चार्ज नहीं करता है स्कूल। और ये कौन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। चिल्ड्रन ईट हेल्दी फूड लाइक इडली, उपमा, एग्स, ब्रेड, पराठा, रोटी सब्जी एंड ड्रिंक मिल्क और जूसेस, है ना, मिल्क और जूसेस। तो इतनी सारी चीज़ें उनको मिलती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। इन मोस्ट स्कूल्स द मिड डे मील इज़ फिक्स्ड फॉर ईच डे ऑफ द वीक। कुछ कुछ स्कूलों में ना, मोस्टली स्कूल में क्या होता है कि मंडे को ये मिलेगा, ट्यूसडे को ये मिलेगा, थर्सडे को ये मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिसाइडेड होती है ना। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, लुक एट द मिड डे मील रूटीन ऑफ अ स्कूल, कैन यू आइडेंटिफाई द फूड दैट द स्टूडेंट्स आर ईटिंग एंड टेल द डे, राइट द डे इन गिवन स्पेस, है ना। तो अब हमें ये बताना है कि कौन से दिन कौन सा खाना हमें मिलता है। तो मंडे को क्या मिलता है, बॉइल्ड एग, टोस्ट एंड जूस। तो हम इस वाले में क्या लिख देंगे, मंडे, है ना, इस वाले में हम लिख देंगे मंडे। फिर आलू पूरी, आलू पूरी, ये रही आलू पूरी, तो ये कब है हमारा, ट्यूसडे को है। फिर वेडनेसडे को हमारा क्या है, ब्रेड, सैंडविच एंड मिल्क। यहाँ पे कोई मिल्क वाली पिक्चर तो नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। थर्सडे को क्या है इनका, इडली एंड चटनी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थर्सडे, है ना। देन फ्राइडे को क्या मिल रहा है, सब्जी रोल। एंड सैटरडे को मिल रहा है पुलाव एंड कर्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सैटरडे, है ना। इस तरीके से हम ये एक्टिविटी कर देंगे। सो इट्स सो सिंपल स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आता है हमारा बोर्डर्स एट स्कूल एंड कॉलेजेस ईट इन द मैस। जो भी हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, कॉलेज हो गया, स्कूल्स के जो बच्चे हो गए, वो कहाँ रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, किचन को मैस बोला जाता है। ईटिंग टुगेदर हेल्प देम टू गेट टू नो ईच अदर एंड ओवरकम द डिफिकल्टीज दे फेस लिविंग अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। इन द मैस चिल्ड्रन ईट न्यूट्रिशन मील्स डैट आर सिमिलर टू द फूड कुक्ड एट देयर होम्स। Often they enjoyed exchanging dishes with each other so that they get to eat their favorite items. अब मैस में क्या होता है, सब लोग साथ में खाते हैं और डिफ़िकल्टीज जो भी हम फेस करते हैं वो भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। इन द मैस चिल्ड्रन ईट न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशंस फूड इनको भी प्रोवाइड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनके घर से कभी कभी बन के आते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने फेवरेट आइटम्स को। मैनी डिफेंस पर्सनल ईट फूड टुगेदर इन द मैस एवरी डे, दे हैव अ फिक्स्ड मील फॉर ईच डे ऑफ द वीक। क्या होता है, काफ़ी डिफेंस में, डिफेंस मींस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले में जो वर्क्स करते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, मेस होता है, वहाँ पर भी लोग एक साथ खाना खाते हैं और वहाँ पे हर दिन का क्या होता है, डिसाइडेड रहता है कि इस दिन हमें ये मिलेगा, इस दिन हमें ये मिलेगा, जस्ट लाइक अ मिड डे मील, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी। अब खाने में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है, कि होता है ना साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड और दाल बाटी चूरमा और क्या बोलते हैं उस साइड के मोमोज हो गए, है ना, काफ़ी अलग अलग चीज़ें आती हैं। देन फूड इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन वेडिंग सेलिब्रेशन। टेस्टी मील्स आर सर्व टू द इंडियन वेडिंग गेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो फूड क्या है, सबसे मेन एस्पेक्ट है इंडियन वेडिंग सेलिब्रेशन। हम भी कभी कभी शादियों में जाते हैं, तो हम भी कभी कभी क्या करते हैं कि हम तो खाने के लिए जा रहे हैं, हमें कोई दूल्हा दुल्हन से कोई मतलब नहीं रहता, है ना। तो क्या रहता है, इसी तरीके से जो इंडियन की वेडिंग्स रहती हैं वहाँ पर खाना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, खाने को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और काफ़ी टेस्टी टेस्टी मील्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एट अ महाराष्ट्रियन वेडिंग अ कपल ऑफ डेज बिफोर द वेडिंग्स अ फेस्ट कॉल्ड इट कैलवान इज ऑर्गेनाइज एट बोथ द ब्राइड होम्स एज वेल एज द ब्राइड ग्रूम होम्स। वन डे बिफोर द एंगेजमेंट सेरेमनी द पीपल इंजॉयड वैंग निश्चय मेल, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक शादी के पहले लड़के वाले और लड़की वाले दोनों फूड ऑर्गेनाइज करते हैं, फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कैलवान बोला जाता है, और वो दोनों क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। देन एट अ
तमिल वेडिंग, तमिल वेडिंग में नाड़ी, नाड़ी इज अ रिचुअल इन विच अ फ्यू ब्राह्मण्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द फैमिलीज फॉर अ फेस्ट. ऑन द कम्प्लीशन ऑफ द फेस्ट द ब्राह्मण्स आर गिफ्टेड स्वीट्स एंड क्लोथ. अब तमिल वेडिंग्स में क्या होता है, नांडी नाम का एक रस्म होता है जहाँ पे ब्राह्मण्स को इन्वाइट किया जाता है और दोनों साइड की फैमिलीज क्या करती हैं, फेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं. और जब वो प्रोग्राम जब हो जाता है खाने पीने का तो ब्राह्मण्स को क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं और क्लोथ भी उनको दिया जाता है. इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे शादी हो रही है और इनको गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना. सो देन द नेक्स्ट वन इज लास्ट पैरा, एट अ कश्मीरी वेडिंग. कश्मीरी वेडिंग, कश्मीरी का तो हमको सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खाने पीने की काफ़ी फेमस है. द कश्मीरी वेडिंग फूड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 30 डिशेज कॉल्ड इट वाजवान. वाजवान है ना, उसको वाजवान कहते हैं. 30 डिशेज उसमें रहती हैं उनकी शादियों में. अ स्पेशल स्वीट डिश नेम्ड मुदजन इज सर्व्ड टू द गेस्ट. कहवा, अ हर्बल टी इज सर्व्ड विद शीरमल, है ना. कहवा तो हम बहुत जानते हैं, हमने हर जगह सुना हुआ है कि काफ़ी उनकी अच्छी टी होती है, चाय होती है एक्चुअली, तो वो भी उनको सर्व किया जाता है शीरमल के साथ. अ स्पेशल टाइप ऑफ कश्मीरी रोटी, एक स्पेशल टाइप की कश्मीरी रोटी भी होती है. और मटन चिकन और फिश आर सीन ऑन द मेन कोर्स. वेजिटेरियन डिशेज इंक्लूडेड लाइक दम आलू एंड चमन फ्राइड पनीर इज इन अ थिक सॉस. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें ये लोग सर्व करते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर्स. ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर पढ़ने में कि किस किस तरीके के फूड हम कब कब और कैसे कैसे बना के हम एक दूसरे से सर्व करते हैं और हम एक दूसरे को इंजॉय करते हैं उस चीज़ को. Thank you so much for connecting and watching this video so patiently, and do like, share and comments for any help. So bye bye, take care.